क्वेश्चन में कहा इंटीग्रेट 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो 2x माइनस 3 को क्या रख लो, लैम्डा टाइम्स ऑफ dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, ठीक है, और प्लस कितना म्यू, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करा दो तो कितना 2x प्लस 3 और प्लस कितना म्यू, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस कितना म्यू, x के कोफिशिएंट को x से कंपेयर करो, तो 2 इक्वल्स टू कितना, लेमडा कितना आ गया 1, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ क्या है कांस्टेंट टर्म 3 लेमडा प्लस म्यू, तो माइनस 3 लेमडा कितना आया 1 प्लस म्यू, तो म्यू कितना आ गया माइनस 6, ठीक है, अब पुट कराओगे, देखो इसकी जगह क्या, इसकी जगह हमें ये पुट कराना था, उसको सॉल्व करके यही तो आ रहा था, तो इसकी जगह लिखो लेमडा, लेमडा कितना है 1 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस म्यू, म्यू कितना है माइनस 6, और डिनोमिनेटर के लिए कोई चेंज नहीं होता, तो डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस कितना 18, ये आ गया साथ में dx, ठीक है, सेपरेट करा दो, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx माइनस, इसका माइनस ये 6 भी बाहर ही लिख दो चाहे तो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, ठीक है, देखो इसके लिए तो बड़ा सिंपल है, इसका इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है और इसके लिए हमने सॉल्व करना सीखा था, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसको t मान लो, ठीक है, t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, तो dt टी इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और ये dx, ठीक है, तो dt टी अपॉन टी माइनस 6, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, इसके x के कोफिशियंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करा दो और उसे भी उसे ही क्या करा दो, सब्ट्रैक्ट, परफेक्ट स्क्वायर मेथड सिखाया था तुम्हें, ठीक है, ये तो क्या आ गया लॉग पी माइनस 6, इसके लिए क्या आएगा डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये आया एक्स प्लस 3 बाई टू का स्क्वायर माइनस, इन दोनों में तो कॉमन ले लो 18 प्लस 9 बाई फोर, ठीक है, ये 18 और माइनस बाहर आ गया तो 3 का स्क्वायर और ये, ठीक है, अब इसे क्या करोगे तुम, सिंपल परफेक्ट स्क्वायर मैथ, मतलब ये आ गया, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।